हरिद्वार से है इस वक्त की बड़ी खबर। राजवन तो वैकंठ हॉल सुभाषनगर झंडा चौक में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन रेखा शर्मा व्यास द्वारा आयोजित किया गया। यह भागवत कथा 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। श्रद्धालु जन इस कथा को सुनकर अपने जीवन को माया मोह रूपी अंधकार से प्रकाश में ईश्वर रूपी को प्राप्त कर सकते हैं। संयोजक कुलवंत सिंह चड्ढा वरिष्ठ समाज सेवी द्वारा उपरोक्त कथा का आयोजन सम्पन्न किया जा रहा है। ईश्वर केवल भाव का भूखा होता है, उसे आपके धन चढ़ावे आदि से कोई भी मतलब नहीं होता है। वह तो केवल तुम्हारे अंदर छिपे प्रेम का भूखा होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। उन्हें आपकी भाषा, जाति, धर्म, किसी भी तरह की कोई भी वस्तु से सरोकार नहीं होता है। एक हाथी नदी में पानी पीने जाता है और मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी की ओर खींचने लगता है, तब खुद को असहाय महसूस कर हाथी भगवान को पुकारता है। हाथी संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी नहीं जानता, वह से भगवान को पुकारता है। भगवान नंगे पैर आकर हाथी को बचाते हैं, अपने चक्र सुदर्शन से मगरमच्छ का गला काट देते हैं। इसी प्रकार आप सच्चे दिल से एक बार भगवान को पुकार कर देखें, वह करुणा के असीम सागर हैं, वे जरूर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। रामपाल रावत, नरेंद्र पाराशर, दीपक नैनी, गुड्डी पाल, सुषमा शर्मा आदि लोग भाई बहनों ने कथा में महत्वपूर्ण सहयोग किया। भागवत कथा का महत्व ये है कि आज हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति एक दिन मौत के मुखर में चलेगी और हमारे भागवत परिवार के माध्यम से अपने बच्चों को ये शिक्षा देने की हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी, हमारे ऋषि मुनि कैसे हमारी सभ्यता को चलाते थे, आज वो सारी भूल गए। हम इस माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा बच्चों में आज कितने तक हो रहा है, हमें कोरोना काल में भी सारी आप बच्चों को और युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा युवा पीढ़ी और बच्चों को ये संदेश है, सबसे पहले तो बच्चों की गुरु सबसे पहले तो माँ ही होती है। अगर माँ अच्छे संस्कार दे तो हमारे बच्चे किसी भी दम पे नहीं भटक सकते। दूसरा है स्कूल की टीचर होगी, जैसे स्कूल से बच्चे घर आए, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे वो माँ बाप पे डिपेंड है। हम अपने बच्चों को देखिए, हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहे, किसकी ऐसी संगत है हमारे बच्चों की, और किसके दूर उठ रहे बैठ रहे, नेचर चलना फिरना बोलना जैसे है वो हम पे डिपेंड है। सबसे पहले हम अपने आप को ही जिम्मेदार लेंगे, हमारे बच्चे देना चाहती क्या उद्देश्य है आपका? भागवत के माध्यम से मैं बच्चों में यही सभ्यता और संस्कृति देना चाहती हूँ कि यदि हम अपने ये भागवत राम कथा इस तरह के समय समय पर ये कार्यक्रम करवाते रहेंगे तो हमारे बच्चों के मन में ऑटोमेटिकली हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के प्रति वो जागरूक हो जाएंगे। और हमारे देश में जो बुराइयाँ हो रही हैं जितनी भी, मतलब उनका एकमात्र ही सॉल्यूशन ये है भागवत कथा और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति। अगर ये हमारे देश में मतलब बहुत अच्छे माध्यम से फैलती जाए, मतलब ये अगर हम समय समय पर अपने प्रोग्राम करवाते रहें तो हमारे जो ये हमारे देश में बुराइयां हैं, जो भी मतलब ये कुरूतियां हैं वो स्वतः ही खत्म होती जाएंगी। तो भागवत परिवार की हमेशा ये कोशिश रहती है, हमेशा ये मदद रहता है और बड़ों का सत्कार करना भूल गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि जो हम क्या है, हम पाश्चात्य सभ्यता में मॉडर्न जो हमारी सभ्यता उसमें हम मतलब अपने बच्चों को ढालते जाते हैं। जैसे कि हमने देखा है हम जन्मदिन कैसे मनाते हैं, और पहले जो जन्मदिन बनता था पूजा पाठ के माध्यम से बनता था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं। तो हम सबको ये प्रयत्न करना चाहिए, भागवत परिवार की भी यही कोशिश रहती है कि हम इस तरह के सभ्यता संस्कृत वाले हिंदू सनातन धर्म वाले जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से ही हम अपने बच्चों में एक अच्छी सभ्यता को विकसित कर सकते हैं। भागवत परिवार की भी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करें और अपने सनातन धर्म की यात्रा को आगे बढ़ाएं, और हमारे जो बच्चे संस्कार को खोते जा रहे हैं उस संस्कार को जिंदा रखने के लिए हम ये धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। मेरा नाम कुलवंत सिंह चड्ढा है, हमारी ट्रस्ट का नाम है श्रीमद भागवत परिवार तुलसी जन सेवा ट्रस्ट। हमारा संदेश है कि एक तो नशा मुक्ति हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
और हर व्यक्ति के सुख दुख में ये परिवार खड़ा होता है। हमारा उद्देश्य है एक परिवार के रूप में हम लोगों की सेवा करें और हमेशा परिवार के रूप में हम लोगों के साथ खड़े रहें। मेरा नाम पुष्पा पाल है। पुष्पा पाल, मंच हो रहा है, हमारा उद्देश्य अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों में जागरूकता पैदा करना, अपने बच्चों को इसके माध्यम से संस्कार देना। जो आजकल के बच्चे हाय हेलो करते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है प्रणाम करना, जय श्री राम बोलना या चरण स्पर्श करना। आज के युग में बच्चे कहीं ना कहीं ये सब भूलते जा रहे हैं, किस माध्यम से आगे बच्चे हो रहे हैं, इस माध्यम से ही हम अपने बच्चों को आगे प्रेरित कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी हिंदू संस्कृति को जागृत रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।